बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर जुनैर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट कॉमनली आस्क क्वेश्चन अबाउट हेयर ट्रांसप्लांट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही घंटी के बटन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। अक्सर लोग 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद, 3 महीने बाद हमें कॉल करके पूछते हैं कि हमारे बाल तो आए नहीं, हमारा हेयर ट्रांसप्लांट कहीं फेल तो नहीं हो गया। तो इस मकसद को, इस क्यूरी को क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ कि 2 से 2.5 महीने में कोई बाल नहीं आते, 3 महीने में आपके बाल आना शुरू होंगे। 3 महीने बाद तो आपके बाल आना शुरू होते हैं। 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद आप हमें कॉल करें और कहें कि हेयर ट्रांसप्लांट के तो रिज़ल्ट आए ही नहीं, तो इस ग्राफ में भी मैं आपको शो करूंगा, 3 महीने बाद आपके बाल आना शुरू होते हैं, 10% बाल आते हैं। 4 महीने में आपके 30% बाल आते हैं। 5 महीने में आपके 50% बाल आते हैं। 6 महीने में आपके 60 से 70% बाल आते हैं। 8 महीने में आपके 80 to 90% बाल आते हैं। 1 साल में आपके पूरे 100% बाल आते हैं। तो 1 साल तक ये प्रोसेस चलता है बाल उगने का। तो आपने घबराना नहीं, कंफ्यूज नहीं होना कि हमारे बाल तो आए नहीं, थिकनेस तो आई नहीं। 3 महीने बाद, 4 महीने बाद तो थिकनेस ना आ सकती, पूरी थिकनेस आपकी 8 से 9 महीने में आती है। तो इस चीज़ को आपने मद्देनजर रखना है। इंटरनेशनली आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट जो अब हम बाल लगाते हैं वो कितनी देर बाद उगते हैं, तो आपको वो चार्ट भी मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि 1 साल में पूरी 100% ग्रोथ इनकी होती है। तो ये कॉमनली आस्क क्वेश्चन था, अक्सर लोग पूछते थे, तो इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई। मजीद आपको कोई सवाल हो, कोई क्यूरी हो, आप स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है उस पे व्हाट्सअप करें, कॉल करें, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स करें, उनका भी मैं जवाब दूंगा। अल्लाह हाफिज़।